नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, जी हां दोस्तों, कांग्रेस के एक बड़े लीडर राजीव त्यागी का निधन। अचानक गिरकर हुए थे बेहोश। राजीव त्यागी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें गंभीर हालत में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजीव त्यागी कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता थे और टीवी चैनलों पर डिबेट में प्रतिभाशाली तरीके से पार्टी का पक्ष रखते थे। रिपोर्ट के मुताबिक राजीव त्यागी की तबीयत आज दिन भर ठीक थी। शाम को उन्हें आज तक पर टीवी डिबेट में शामिल होना था। खुद ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी भी दी थी। उन्होंने लिखा था कि आज शाम 5 बजे आज तक पर रहूंगा। वे शाम 5 बजे आज तक के डिबेट में शामिल भी हुए थे। राजीव त्यागी के घर में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। बेहोशी के हालत में उन्हें यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजीव त्यागी की निधन की खबर सुनकर राजनीतिक गलियारे में गहरी शोक की लहर है। टीवी डिबेट्स में राजीव त्यागी के साथ नजर आने वाले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। इस तरह के ताजा तरीन खबरें देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद। जय हिंद।